लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान पूरा हो गया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में असंतोष अभी खत्म नहीं हुआ है। यह स्थिति सभी दलों में है। इस वजह से कई नेताओं ने चुनाव प्रचार से भी खुद को अलग कर लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस पार्टी की 3 अलग अलग समितियों से इस्तीफा दे दिया है। नसीम के इस्तीफे के बाद उन्हें एक पार्टी से ऑफर भी मिल रहा है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे जाने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान ने पार्टी की 3 अलग अलग समितियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में 48 लोकसभा सीट हैं, इनमें से एक पर भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र में नसीम खान ने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, उम्मीदवार क्यों नहीं। आज महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज के सभी संगठन, समाज के लोगों में बहुत जोरदार प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि 48 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक समाज को यहां पर उम्मीदवारी नहीं दी जाने से लोगों में बहुत नाराजगी है, रोष है। और मैं भी नाराज हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी विचारधारा है, एक परंपरा रही है कि सभी समाज और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की, सभी को प्रतिनिधित्व देने की, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, ओबीसी हो, महाराष्ट्र में मराठा समाज हो, एससी हो, एसटी हो, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। कल से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी मुझसे मिले हैं, कांग्रेस के सभी लीडर्स और पदाधिकारी आकर मिले हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र प्रोग्रामी स्टेट हमेशा से रहा है। यहां से अब्दुल रहमान अंतुले साहब सांसद चुन के जाते थे, डॉक्टर रफीक जकरिया जाते थे, और महाराष्ट्र में पिछली बार हिदायत पटेल को अकोला से चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सिंबोलिक कि महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक समाज की आवाज देश की लोकसभा में गूंजे, वो एक अपेक्षा लोगों में थी। तो इस बार ये नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी है, और इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं किस तरह से, मेरे पास आज शब्द नहीं है, जवाब नहीं है, मैं समाज के लोगों के बीच जब जाऊंगा कि कंपेन करने के लिए, तो मैं किस तरह से लोगों को कहूं और लोग सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों उम्मीदवारी नहीं दी है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4 5 में मैं कंपेन नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने कंपेन किया है, और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आला कमान को मैंने पहुंचा दी। एक समाज जो कांग्रेस का मजबूती से साथी रहा है और है, उस समाज को पूरी तरह से इग्नोर करना, एक तरह से ये कहीं ना कहीं खटक रहा है लोगों को, और इस बात को लेकर नाराजगी है। जब मैं नाराज हूं तो समाज की तो बात ही अलग है, समाज में कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई होगी, तो जिसकी वजह से मुझे भी ये स्टैंड लेना पड़ा है, तो ये परिस्थिति है। बता दें, नसीम खान ने इस्तीफे के बाद खुद को चुनाव प्रचार से भी अलग कर लिया है। इस बीच अब महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्हें AIMIM की तरफ से टिकट ऑफर कर दिया है। अब देखना है मोगा कि क्या नसीम खान इम्तियाज जलील का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या फिर ठुकराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।